हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। सीताबर्डी क्षेत्र की एक होटल के कमरे में ड्रग्स बेचने का अड्डा बनाए जाने की भनक लगने पर गश्त कर रही अपराध शाखा पुलिस विभाग के सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने कमरे में छापा मारा। इस दौरान कमरे से 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से 106 ग्राम एमडी ड्रग्स व अन्य सामग्री सहित करीब 12,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। दस्ते ने आरोपियों को मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के हवाले कर दिया है। इस वर्ष की एमडी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी चारों ने कमरे को एमडी ड्रग्स बेचने का अड्डा बना रखा था। पकड़े गए आरोपियों में से होटल मालिक को छोड़कर अधिकांश आरोपी आपराधिक छवि के हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 26 मार्च को सामाजिक सुरक्षा दस्ते की पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर सहयोगियों के साथ आरोपियों की खोजबीन में सीतापट्टी क्षेत्र में गश्त करी थी। इस दौरान दस्ते को गुप्त सूचना मिली कि सीतापट्टी स्थित लोहारकर फैमिली होटल के अंदर कुछ लोग एमडी ड्रग्स नुमा पाउडर की बिक्री कर रहे हैं। दस्ते ने होटल के कमरा नंबर 406 पर छापा मारा। इस दौरान कमरे के अंदर बैठे आरोपी मोहम्मद मुस्तफा उर्फ शानू जमील खान पठान, उम्र 42, डोबी नगर मोमिनपुरा नागपुर निवासी, सरफराज नूर खान उम्र 36, टिमकी तीन खंबा निवासी, मुनान उर्फ मुहू अब्दुल सत्तार खान उम्र 32 साल भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन वाठोड़ा निवासी, अंकित अशोक केसरी उम्र 31 साल बालाजी कॉलोनी रनाला कामटी नागपुर निवासी, अश्विन विनोद तुर्केल उम्र 32 साल वाल्मीकि नगर अंबाजरी निवासी, परवेश खान फिरोज खान उम्र 27 साल मोमिनपुरा निवासी, सैयद इमरान उर्फ अमू सैयद जमील उम्र 28 साल टिमकी निवासी और होटल मालिक नागेंद्र कुमार राव आठनकर उम्र 57 साल पार्वती नगर अजनी मानीवाड़ा रोड नागपुर निवासी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी मोहम्मद मुस्तफा उर्फ शानू खान के पास प्लास्टिक पॉलिथीन के अंदर 106 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर मिला है। इसकी कुल कीमत 10,50,000 रुपए बताई गई है। नागपुर पोलीस शहर आयुक्तालय अंतर्गत दंतोली या ठिकाणी गोपनीय माहिती मिळाली होती। क्राइम ब्रांचच्या सामाजिक सुरक्षा दल या पथकाला, त्यानुसार दंतोली येथील लोहारकर फॅमिली हॉटेल या ठिकाणी छापा टाकून त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्या कारवाईमध्ये जवळजवळ 100 ग्रॅम इतकं एमडी मिळून आलेलं आहे। त्याप्रमाणे ते त्या ठिकाणी 6 आरोपींना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याचा पुढील तपास सुरू असून पुढील कारवाई सध्या सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।